वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस समझ चुके थे एसिडिफाइड वाटर का और कॉपर सल्फेट का। क्लियर समझ में आ गया था किस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जो वहाँ तक हम लोग कर लिए थे। तो आज से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कि किस किस में यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो समझेंगे हम लोग। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है ना, ये इसका जो एप्लीकेशन है, ये सब सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब एलिमेंट, ये सब जो मेटल है, इसको एक्सट्रैक्ट करने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम, ये सब को क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन, यानी इसके एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज़ करके हम लोग इस ये सब मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले समझते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा। क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट होगा एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए? एल्युमिना इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। एल्युमिना होगा, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसे 20% रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। फ्यूज क्रायोलाइट जो ओर है, फ्यूज क्रायोलाइट क्या होता है, ओर होता है, किसका, ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या है, ये एक ओर है, क्या, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ही ओर है, ठीक है। 60% रहता है, फ्लोर स्पार रहता है, फ्लोर स्पार 20% सॉल्यूशन के अंदर। मतलब ये जो प्योर एल्युमिना होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एल्युमिना इज 2050 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना प्योर एल्युमिना का, ये बहुत ज़्यादा है, 2050 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ठीक है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग फ्लोर स्पार डालते हैं, ठीक है। किस लिए डालते हैं, टू लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसके मेल्टिंग पॉइंट को, एल्युमिना के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग फ्लोर स्पार को डालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर एल्युमिना फ्यूज क्रायोलाइट रहेगा, ठीक। अच्छा, ये सब तो, ये तो मेरा तीनों इलेक्ट्रोलाइट के तरह हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए इन तीनों को। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड होगा, इनर लाइन ऑफ कार्बन ऑफ द स्टील टैंक, ये जो मेरा स्टील टैंक है, इसमें जो इनर लाइन है ना, ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है, कार्बन लाइनिंग एट द कैथोड, ये जो पूरा लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ब्लैक जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कैथोड की तरह काम करेगा। इसमें कार्बन का लाइनिंग, ये सब पूरा कार्बन का बना हुआ है, टोटल ये जो पूरा लेयर है, ये पूरा कार्बन का लेयर है, यानी कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये क्या होगा, कार्बन, यानी कि ये कैथोड की तरह काम करेगा। यानी ये वाला जो पूरा टर्मिनल है ना, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है, ये वाला पूरा कार्बन लाइनिंग जो है कैथोड की तरह काम करेगा, ये पूरा नेगेटिव की तरह काम करेगा, ठीक ठीक है। और एनोड में जो होगा वो थिक कार्बन रॉड, ये जो थिक कार्बन रॉड दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाल दिया गया है, थिक कार्बन रॉड सस्पेंडेड या फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट, जो पिघला हुआ इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर डाल दिया गया है, ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एनोड की तरह काम कर रहा है, एनोड ये क्या है मेरा, कैथोड, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये जो पूरा है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, किसका, यानी अल्मोनियम ऑक्साइड, इसमें क्या रहेगा, अल्मोनियम ऑक्साइड, मोल्टन क्रायोलाइट, ये जो मोल्टन क्रायोलाइट है, ये अल्मोनियम का ही ओर है, अल्मोनियम का, यानी इसके अंदर अल्मोनियम रहेगा, तो ये जो है ना, ये अल्मोनियम ऑक्साइड का सोल्यूशन रहेगा, यानी मोल्टन क्रायोलाइट, यानी पिघले हुए क्रायोलाइट के अल्मोनियम के ओर के अंदर इस ये अल्मोनियम ऑक्साइड का सोल्यूशन है यहाँ पे। तो इसके अंदर ये जो अल्मोनियम ऑक्साइड का जो सोल्यूशन है क्रायोलाइट में, तो इसमें अल्मोनियम आयन, ऑक्सीजन आयन रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे इस वाटर के अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर जो अल्मोनियम आयन, ऑक्सीजन आयन जो रहेगा, जो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो कैसे रहेगा, यहाँ पे कुछ आयन के फॉर्म में रहेगा, Al3+ O2-, इस तरह से रहेगा, Al3+ O2-, Al3+, यानी इस तरह से आयन के फॉर्म में ये मूव करता हुआ रहेगा हर तरफ, O2-, Al3+, O2-, Al3+, O2-, Al3+, O2-, ठीक है। अच्छा, अब ये तो पॉजिटिव चार्ज है, O2 जो माइनस, ऑक्सीजन जो आयन है वो नेगेटिव चार्ज है, और Al3+ जो है अल्मोनियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अब जो पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव आयन वो किसके तरफ मूव करेगा, कैथोड के तरफ मूव करेगा, यानी Al3+ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैटायन है, ये कैथोड के तरफ मूव करेगा, ऑक्सीजन जो है O2-, ये एनायन है जो एनोड के तरफ मूव करेगा। तो जितना अल्मोनियम आयन जो होता है ना, वो कैथोड के तरफ मूव कर जाता है, ठीक है, एकदम सिंपल समझना है इसको। जितना अल्मोनियम आयन जो होता है वो कैथोड की तरफ मूव कर जाता है, जितना ऑक्सीजन आयन होता है वो एनोड की तरफ मूव कर जाता है, इसलिए एनोड पे जो होगा ना, वो ऑक्सीजन गैस हमको इवॉल्व करता हुआ दिखाई देगा, O2- जो होगा, ऑक्सीजन जो होगा न्यूट्रल, ये ऑक्सीजन गैस हमको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि ये एनोड में जाते क्या होगा, न्यूट्रल बन जाएगा, O2 बन जाएगा, ठीक, क्योंकि ये दो ऑक्सीजन दे देगा, अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन में, तो पूरा समझ में आएगा। और ये
कैथोड की तरफ Al3+ जैसे जाएगा ये अल्मोनियम बन जाएगा, ठीक है, अल्मोनियम यानी लिक्विफाइड। ये जो पूरा जो लेयर दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा अल्मोनियम का लेयर होगा, Al यानी अल्मोनियम लिक्विफाई स्टेट में होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको बाहर में टैप आउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, पिघले हुए स्टेट में होगा यहाँ पे अल्मोनियम, ठीक। तो इस तरह से मोल्टेन अल्मोनियम कलेक्ट एट द बॉटम, यहाँ पे पिघला हुआ अल्मोनियम जो है हमको बॉटम में दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एट हाई टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ यानी 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्यूमिना जो था मेरा वो डिसोसिएट टूट गया अपने Al3+ O2- आयन में। अब Al3+ जो है वो क्या है, कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव साइड यानी कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो Al3+ जो होगा वो मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ, अब प्रोड्यूस क्या करेगा, अल्मोनियम मेटल, अल्मोनियम मेटल यहाँ पे बना दिया। क्या होगा, वो कैसा था, लिक्विड स्टेट में था, विच इज़ कलेक्टेड इन द लिक्विड स्टेट, कहाँ पे, फ्लोर पे दिखाई दिया, नीचे की तरफ दिखाई दिया, फ्लोर पे दिखाई दिया, उसको हम क्या करेंगे, टैप आउट कर लेंगे, ठीक। अब मेरा O2- जो था वो कहाँ मूव कर गया, एनोड की तरफ मूव कर गया, O2- जितना था वो सब क्या हुआ, एनोड की तरफ मूव कर गया। हमको ऑक्सीजन गैस एनोड में क्या दिखाई दिया, ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट करता हुआ दिखाई दिया, कहाँ पे, एनोड पे ऑक्सीजन गैस लाइब्रेट करता हुआ दिखाई दिया, ठीक। तो ये था, अब रिएक्शन कैसे हुआ, तो हम लोग क्या डाले थे सॉल्यूशन के अंदर, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 वो पहले ब्रेक कर गया हुआ, किस तरह से 2Al3+ + 3O2-, इस तरह से अपने आयंस में ब्रेक कर गया, ठीक है। अच्छा, अब कैथोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, तो एनोड में हम लोग जानते हैं एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, कमी होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो कैथोड में कौन आएगा, कैथोड होता है नेगेटिव साइड, एनोड होता है पॉजिटिव साइड, तो ऑब्वियसली यहाँ पे Al3+ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2Al3+ आ गया यहाँ पे, कहाँ पे, कैथोड पे। अच्छा, अब यहाँ पे समझना है, ये जो मेरा एक अल्मोनियम आयन था, एक अल्मोनियम आयन, अब इस अल्मोनियम आयन को डिस्चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा Al3+, 3+ का मतलब कि अल्मोनियम आयन के पास 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसको जब हम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे देंगे तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना अल्मोनियम आयन, 2Al3 यानी 2 अल्मोनियम आयन है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। तो यहाँ पे रिडक्शन होता है कैथोड में, मतलब गेन होता है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन इन दोनों को मिल, इसको अगर मिल जाएगा, ठीक है, तो अल्मोनियम आयन क्या होगा, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, तो हमको 2Al दिखाई देगा, ठीक। अच्छा, अब एनोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3O2-, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन आयन जो होता है O2, ऑक्सीजन को न्यूट्रल या 2- है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अब इसको न्यूट्रल होना है तो क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, इससे हमको बाहर की तरफ खींच लेना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लेना है, यहाँ पे लूज होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन आयन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो यहाँ से -6 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया, 3O, यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, 3 ऑक्सीजन 2 अल्मोनियम, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑक्सीजन जो होता है वो सिंगली स्टेबल नहीं होता, ये ऑक्सीजन गैस बना लेगा, तो कैसे होगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन डबल हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से 3O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, किसका, अल्मोनियम ऑक्साइड यानी कि एक्सट्रैक्शन अल्मोनियम, कुछ अल्मोनियम जो होता है इस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है। ये रिएक्शन किस तरह से हुआ एनोड कैथोड में, इस तरह से, तो यहाँ पे ये एग्जाम में आएगा, तो इस तरह से लिखना है। तो आई होप आपको एक्सट्रैक्शन अल्मोनियम को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे फ्लोर स्पार के ऊपर क्वेश्चन पूछ देता है क्यों इसको यूज़ करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट अल्मिना को कम करने के लिए, अल्मिना का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए, ठीक है। तब भी देखिए 950 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से अल्मोनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कॉपर को रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है कॉपर का, ये सेम इलेक्ट्रो जो हम लोग किए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस किए थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, सेम उसी की तरह लगभग अभी समझ में आएगा, अब हम लोग कहते हैं समझ में आता है, समझते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रो रिफाइन करते हैं यानी एक इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, उससे ये इम्प्योर कॉपर प्लेट है, अब इससे क्या होगा, कॉपर जो होगा ना वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। जितना ये जो कॉपर का प्लेट, इसके अंदर कुछ कुछ प्योर कॉपर होगा, कुछ इम्प्योरिटीज़ होगा, तो इससे अंदर, इसके अंदर जितना प्योर कॉपर है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे इससे अंदर से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, रिफाइन कर लिए, ठीक है ना, इम्प्योरिटी को बाहर कर दिया, जो प्योर कॉपर था उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे कॉपर का,
ठीक है। तो लार्ज ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज यूज एज द एनोड, यानी ये क्या है, ये मेरा एनोड है। तो यहाँ पे हमको ये वाला इम्प्योर कॉपर रहेगा, ये वाला जो होगा ना इम्प्योर कॉपर प्लेट होगा, ये एनोड में इम्प्योर कॉपर होगा, ठीक है ना। तो ये वाला होगा मेरा इम्प्योर इम्प्योर कॉपर, ठीक है। और जो ये वाला क्या होगा, ये वाला मेरा प्योर होगा, प्योर कॉपर मेटल होगा, ठीक है। वाला इम्प्योर होगा यानी इम्प्यूरिटी होगा इसके अंदर, ठीक है। थिन स्ट्रिप्स ऑफ प्लेट वायर प्योर कॉपर इज प्लेस बिटवीन दिस ब्लॉक्स, है ना। वो जो पतला सा स्ट्रिप होगा ये वाला जो होगा ना प्योर कॉपर होगा। ये कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कैथोड में यूज़ करेंगे, ठीक है। बिटवीन दे एक्ट एज कैथोड, यानी जो पतला सा जो प्योर कॉपर प्लेट है इसको हम लोग यूज़ करेंगे कैथोड में, और जो इम्प्योर होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे एनोड में, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ कॉपर ही के लिए नहीं, और सबके लिए भी ये वैलिड है, ठीक है। तो हम लोग मेटल से भी समझ सकते हैं, दूसरा आ जाएगा तो वहाँ पे भी हम लोग इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको, कि सिर्फ कॉपर के इलेक्ट्रोडिफाइनिंग के लिए ये वैलिड नहीं है, और सबके लिए भी, अल्मोनियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दे एक्ट एज कैथोड, यानी जो पतला वाला है ये कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। एनोड है कैथोड, इन दो, ये जो एनोड है ये कैथोड है, इसको कहाँ यूज़ डाल दिए, कॉपर सल्फेट, यानी 50% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम लोग डाल दिए इसको, यानी ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर हम लोग डाल दिए हैं एनोड और कैथोड दोनों को, जो 5 से 10% सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंट कर रहा है, मतलब डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, यानी मिक्स हुआ हुआ होगा, कंसेंट्रेटेड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक एसिड डालने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किए हैं, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, वी यूज H2SO4, ठीक है। कंडक्टिविटी पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो जो मेटल कॉपर जो होगा डिजोल्व फ्रॉम होगा कैथोड से एंड इज डिपोजिटेड ऑन द एनोड, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फ्रॉम यहाँ पे होगा डिपॉजिट होगा एनोड से डिपॉजिट होगा, एनोड से यहाँ आएगा सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आता हुआ जाएगा, यहाँ पे होगा एनोड से डिपॉजिट होगा, एनोड से डिजॉल्व होगा, और डिपॉजिट कहाँ पे होगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ये कैथोड पर डिपॉजिट होगा, यहाँ पे होगा कैथोड, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हमको इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2+SO4 2- इस तरह से दिखाई देगा पूरा आयंस, Cu2+SO4 2- Cu2+SO4 इस तरह से आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर घूमता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और जो हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि जो एसिड होता है वो वैसे ही रह जाएगा, उस ये रिएक्शन के अंदर उतना पार्टिसिपेट, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को यानी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से ये डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। कि ये आयन कैथोड एनोड से जो आयंस होगा उसके पास, इसलिए कोई न्यूट्रल रहता है इसके अंदर, इसका कोई पार्टिसिपेट नहीं होता है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट नहीं करता है इसके अंदर, सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ठीक है। अब ये Cu2+ जो होगा उससे, तो यहाँ से क्या होगा, या जो इम्प्योर कॉपर है यहाँ से Cu जो कॉपर जो होगा आयन ये वाटर के अंदर डिजोल्व होने, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट होगा, और यहाँ से Cu2+ जैसे निकला, और ये वाला जो Cu2+ है यहाँ से इसके अंदर, यानी ये वाला जो कैथोड है इस पे क्या होगा, आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे Cu इस तरह से नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसका वेट धीरे धीरे क्या होगा, थिकनेस ये वाला जो कैथोड है इसका बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कॉपर निकल रहा है और यहाँ से सॉल्यूशन में आ रहा है, सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, ये कैथोड जो है इसको अटैक कर ले रहा है, एनोड से निकल रहा है कैथोड में चला जा रहा है, जितना प्योर कॉपर होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से एनोड से निकलेगा और कैथोड में जाता हुआ कैथोड में चला जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका थिकनेस जो होगा वो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा और ये क्या होगा, ये थिक हो जाएगा, ठीक है। और जो इम्प्यूरिटीज़ होगा वो नीचे में जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिए हैं हम लोग, 50% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए हैं, जो 5 से 10% सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंट कर रहा है, कितना डिग्री, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये वोल्टामीटर, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस जहाँ कहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में। अब इलेक्ट्रोड क्या, प्योर थिन कॉपर प्लेट कैथोड में यूज़ कर रहे हैं, कैथोड में, ये देखिए कैथोड में प्योर कॉपर प्लेट है, और एनोड में क्या यूज़ हो रहा है, थिक इम्प्योर कॉपर प्लेट, या इम्प्योर कॉपर प्लेट कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एनोड में, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर डिजोल्व फ्रॉम एनोड, जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे जो कॉपर होगा वो एनोड से डिजोल्व होगा सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, है ना, डिजोल्व फ्रॉम एनोड एंड डिपॉजिट एट कैथोड, और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में जाकर जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड में, ठीक।
दस ग्रेजुअली, इससे वजह से क्या होगा, जो एनोड जो होगा वो क्या होगा, थिन हो यानी पतला होता हुआ चलेगा, कैथोड जो होगा मेरा वो थिक होता हुआ चलेगा। दस ग्रेजुअली एनोड प्लेट बिकम थिकर एंड कैथोड प्लेट, इसको बोलेंगे कैथोड, कैथोड प्लेट बिकम एनोड प्लेट बिकम थिनर यानी पतला होगा, कैथोड प्लेट जो होगा वो क्या होगा, थिक हो जाएगा। अच्छा अब रिएक्शन किस तरह से हुआ है तो हम लोग देख लें, सी यू कॉपर सल्फेट था मेरा, सी यू एस ओ फोर पहले टूट गया होगा, किस तरह से, सी यू टू प्लस एस ओ फोर टू माइनस, ठीक है एस ओ फोर टू माइनस वैसे ही रहेगा सोल्यूशन के अंदर क्योंकि इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज़्यादा है यानी डिस्चार्ज होने का जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए सोल्यूशन के अंदर वैसे ही ये घूमेगा, जो होगा सी यू टू प्लस अपना रिएक्शन में काम करेगा। यानी कैथोड में हम लोग जानते हैं क्या होता है, कैथोड तो पहले नेगेटिव होता है, कैथोड के अंदर क्या होता है, एनोड कैथोड के अंदर होता है रिडक्शन, ठीक है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अच्छा तो यहाँ पे कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा, सी यू जो होगा यहाँ से क्या होगा, पहले टू प्लस यानी जो नेगेटिव है, जो मेरा कैथोड नेगेटिव है पॉजिटिव आयन को अटैक कर लेगा तो सी यू टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कैथोड और ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल सी यू बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो कैथोड है मेरा इस पर सी यू इस तरह से न्यूट्रल बनता हुआ जम जाएगा यानी इसकी वजह से ये थिक हो जाएगा, ये वाला थिन हो जाएगा, ठीक है। और एनोड में क्या होगा, एनोड से क्या होगा, कॉपर रिलीज कर रहा है, निकल रहा है ना, तो कॉपर ये इस तरह से कॉपर न्यूट्रल था, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, ये क्या बन गया, कॉपर आयन सी यू टू प्लस इस तरह से लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा अब जब हम ड्यूरिंग जब इलेक्ट्रो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस इस तरह से हुआ है, ठीक है तो ये सब हम लोग को बात लिखा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलेगा कॉपर सल्फेट का तो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस ये वाला यहाँ तक लिख देना अच्छे से तो पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं तो इम्प्यूरिटी जो होता है इम्प्योर कॉपर यानी इम्प्योर कॉपर के अंदर जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है बॉटम के अंदर जो नज़र आता है एनोड के बॉटम में जो इम्प्यूरिटीज नज़र आ रहा है इम्प्योर कॉपर से जो इम्प्यूरिटीज बचा जो बॉटम में नज़र आ रहा है एनोड के उसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोड मड बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनोड मड। तो जब इलेक्ट्रो ड्यूरिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग जब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है इम्प्योर कॉपर प्लेट में जो बॉटम एनोड के बॉटम में नज़र आता है नीचे के तब उसको बोलते हैं एनोड मड। अच्छा वो जो एनोड मड होता है ना वो बहुत अच्छा अच्छा मेटल को कंटेन करके रखता है जैसे गोल्ड हुआ प्लेटिनम हुआ तो इसको और फर्दर प्रोसेस करके इसको क्या करते हैं हम लोग सेपरेट कर सकते हैं यानी इस मड को सेपरेट कर लिए और बाद में कोई अच्छा उस पर और सब प्रोसेस करके इसको यूज़ में ले आते हैं, ठीक है तो यही सब है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है एनोड मड क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे करते हैं कॉपर का, ठीक है तो इसको यूज़ करके आप और सबका भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का अपने से लिख सकते हैं। तो सिलेबस के अंदर कॉपर सल्फेट कॉपर ही का रिफाइनिंग दिया हुआ है सेम उसी के तरह है, ठीक है तो और सबका आप अपने से कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रो प्लेटिंग करेंगे पोटेशियम इसका गोल्ड का और सिल्वर का किस तरह से प्लेटिंग करते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग करते हैं यानी कि एक मेटल के ऊपर दूसरे लेयर दूसरे मेटल का लेयर कैसे चढ़ाते हैं वो समझेंगे हम लोग। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया क्लियर समझ में आ गया होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा वहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पर दो तीन बार रिविज़न कीजिए तो अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं आज हम लोग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।